लड़के ज्यादा ठरके होते हैं या चाचा ज्यादा ठरके होते हैं? इस दौर में तो सब ही ठरकी हैं। समझ रहे हो ना? तो फिर कह रहा नहीं बेगमला नहीं है। ये बढ़िया था गुरु। नहीं अब देखते, अल्लाह ने आंखें दी है तो देखना तो है। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। तशद्दुद किया आपने? नहीं मैं तशद्दुद वगैरह नहीं है। प्राइम टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट पकीज़ा ज़हीर। आज का हमारा सवाल ये है कि लड़के ज़्यादा ठरके होते हैं या चाचे? वैसे मेरे ख्याल से चाचे ज़्यादा ठरके होते हैं, चाचों को पता नहीं कौन सी आखिर आई हुई है, लेकिन यहाँ की आवाम से पूछते हैं कि कौन ज़्यादा ठरकी है। तो आप लोगों कहीं नहीं जाना, वीडियो को एंड तक देखना, आज की वीडियो बड़ी स्पाइसी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक शुक्रिया। आप सुनाएं? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। अंकल आपकी शक्ल पता है कैसी लग रही है? जैसे वो CID में नहीं होता उनका ऑफिसर जो मेन होता है, उसके जैसी लग रही है। शुक्रिया। आप देखते हैं CID? जी देखता हूँ। और क्राइम पेट्रोल? हाँ जी देखते। इन दोनों में से अच्छा कौन है ज्यादा? CID अच्छी लगती है। CID क्यों आपको इतना पसंद है? वो मुझे उसके ना वो ज्यादा अच्छे किरदार, वो जो कहता है कुछ तो गड़बड़ है वो। हाँ जी हाँ। उसी की जैसे आपकी शक्ल है। आप कहीं पुलिस में तो नहीं? नहीं नहीं प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अंकल लड़के ज्यादा ठरके होते हैं या चाचे ज्यादा ठरके होते हैं? इस दौर में तो सब ही ठरकी हैं। समझ रहे हो ना? अपने आप को प्रिटेंड कर लिया है जी, मैं नहीं हूँ ठरकी। मैं लड़कियाँ ज्यादा कहती हैं कि चाचे ज्यादा ठरके होते हैं। ऐसा नहीं, जैसे ये चल रहा है आपको बता रहे सब भी ठरकी हैं। ये भी ऐसे पूछे हैं कि इसकी शादी की हुई है, इसकी शादी भाई की हुई है, एक ना इसका बेटा है, तो फिर आप सेट कर लोगे अपना? तो फिर कह रहा नहीं बेगमला नहीं है। ये बढ़िया था गुरु। तो उसका क्या कसूर है ये पूछे? हाँ भाई क्या मसला है आपको? उससे क्या मसला है, प्रॉब्लम क्या है बताओ? उससे प्रॉब्लम क्या? एक शादी हुई है और चाहते हैं दूसरी शादी करें। एक बेटा है दूसरी शादी करना चाहते हैं। दो हुई है अभी, तीसरी करनी है। दो पहले हो चुकी हैं, एक को पहले तलाक दे दी थी, वो चली गई थी, तो वो क्यों गई नाराज होके? उसको क्या प्रॉब्लम थी ये पूछे? जेड़ा मैडम पूछ रही है बताए वो क्यों आपसे रुस के गई थी पहले? आपको शौक था ना बड़ा इंटरव्यू दे, बताए अब पहली वाली क्यों गई थी? नहीं बस वो कोई घरेलू हालात इस तरह के, उसकी भी मजबूरी थी कोई, मेरी भी। आपने उसके तो नहीं कोई तो गड़बड़ आया कर दी थी? बस जैसा समझ लें दोनों में थी। तंग किया आपने, जीना राम किया उनका, तशद्दुद किया आपने? नहीं मैं तशद्दुद वगैरह नहीं है कुछ। शादी गरीब मस्कीन हो गए, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा फिर आप तीसरी शादी क्यों करना चाहते हैं? तो अब लाइफ कौन सी आपकी बेलने में बाह आई है कि आपको तीसरी शादी करनी? तो लाइफ ऐसे तो नहीं गुजर सकती ना, जो टगरा मार दे फिर दो तीसरे ब्याह करना। हूँ 6 माह हो गया अकेला फिर रहा हूँ, तो फिर क्या करूँ? किधर गई आपकी दूसरी बीवी? बस वो लड़के मैके चली गई है ना। अब ऐसे कर टूट गया ना, हमने किया ऐसा? आप देखते होंगे और लड़कियों को? नहीं अब देखते, अल्लाह ने आंखें दी है तो देखना तो है। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। इसी बात मतलब क्या कहते हैं कि सानू फाया ला दो। नहीं आंखें दी हैं आपको कुदरत देखने के लिए, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मर्दों को देखे आपसे कितने आपके जैसे फेरे हैं, औरतों को ही देखना है। नहीं मैं औरतों को तो नहीं देखता, मर्दों को भी देखते हैं। आप तीसरी शादी किस तरह की लड़की से करना चाहते हैं? मैं अपनी हम उम्र से करूँगा, 30-35 साल की। आप 60 साल के हैं, आप 60 साल के? 60 साल के मैं अभी 40 साल है मेरी, आपको 60 साल का लग रहा हूँ। अगर आपको आपके साथ एक बेवा औरत है, ठीक है, उसका बंदा मरा हुआ है और आपकी एज की भी है, वो आपसे शादी करना चाहती, कर लेंगे? हाँ बिल्कुल जरूर करूँगा इंशाल्लाह। कितने पैसे हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। कितने घर हैं? गुजारा हो जाता है। गाड़ियाँ कितनी है, घर कितने? नहीं गाड़ी तो नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल है।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਝੂਟਾ ਲੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿਵਿਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੌਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅੰਕਲ ਕੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੀਨ ਤੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਮਿਰ ਲਿਆਗਤ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਰੇਸ ਮੇਂ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਮੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮੁਝਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ। ਬੇਵਾ ਹੋ, 30 ਸੇ 35 ਸਾਲ ਕੇ, ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਹੋ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ। ਆਪ ਲੜਕੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਏਂ ਕੈਸੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਗੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਵੋ ਸੁਣਾ ਦੇ ਆਜ ਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਲੋਗ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹੇ।